आपको लीगल नोटिस से डर लगता है? अब ये सवाल हर एक इंसान के लिए है, चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, या नेता हो, अभिनेता हो, या कोई भी हो। है तो हर कोई अल्टीमेटली एक इंसान। या फिर यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच में कह दिया जाता है, डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, टेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, एनजाइटी नहीं है, तो यहाँ पे चल कह रहा है। हाँ, हर कोई फिलॉसफी देता है, हर कोई मोटिवेशन। भैया इंसान हो अंदर से, तो जो इंसान के अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, वो तो आपके अंदर आएंगे, या भले ही आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब यहाँ से निकल के आता है कि संदीप महेश्वरी को भी डर लगता है। हर एक वो इंसान जिसके पास कुछ है उसको डर लगेगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी डर लगेगा। और ये ऑब्वियस है कि भैया कानून के चक्कर में कोई भी नहीं पड़ना चाहता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो या थाने का चक्कर हो। और अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पैसा भी जाता है, समय भी जाता है, और अल्टीमेटली मिलता बहुत कम है, नुकसान ज़्यादा होता है, इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाती है। तभी यहाँ भैया 2 करोड़ वाले ने छोटी बच्ची से माफ़ी मांग लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 करोड़ का नुकसान ऐसे ही हो जाएगा उसके आगे पीछे दौड़ने में। और यहाँ पे जैसे क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान को लगता है कि हम पावरफुल हो गए हैं, या हम बड़े हो गए हैं, 2 करोड़ वाले हो गए हैं, और वो छोटा सब्सक्राइबर है, वो छोटा इंसान है, गरीब इंसान है, क्या है भैया? कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। वक्त आने पे एक चींटी भी हाथी को मार सकती है, जब आपको पता है, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो फिर क्या छोटा बड़ा। यहाँ पे अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो एक सिंगल पर्सन ने, छोटे पर्सन ने आपको हिला डाला कि सारे लोग एकजुट होने पड़ गए। हर कोई भैया सेव 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 करने लगा। तो यार हर एक हमारे देश में कितने झूठे केसेस हर रोज, वो चाहे झूठे रेप केसेस हो, झूठे 498 का केस हो, डॉरी का मामला हो, या फिर एक गरीब इंसान को अमीर इंसान के द्वारा जानबूझ के परेशान करने के पीछे हो, झूठे केसेस किए जाते हैं कानून के नाम पे, लोगों को डरा धमका के उनसे पैसे वसूले जाते हैं, उनको चुप कराया जाता है, उन्हें जैसा कि यहाँ भी देखने को मिल ही रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, दे आर हेल्पलेस। अब यहाँ पे यही है कि इस बंदे को एक आपकी द्वारा हेल्प मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें आप ही ने स्टार्ट की थी। सबसे पहले आप ही ने धमकी दी, लीगल नोटिस की, यूट्यूब चैनल बंद कराने की, डराने की, धमकाने की, और फिर बीच में छोटी बच्ची, एक छोटे बच्चे को आपने छोटा बच्चा समझा, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना, एक छोटे बच्चे ने ही पूरी कहानी बदल दी, और ये इस तरीके से रेवोल्यूशन लाना पड़ा मिलके हर किसी को। तो आप तभी किसी को छोटा बड़ा ना समझें। एक लड़की के पास भी लोग सोचते हैं कुछ भी नहीं करेगी, बहुत कुछ कर देती है, अच्छे अच्छे लड़कों के करोड़पति से लेके IAS IPS की हालत ख़राब कर देती है। जब झूठा ही सही, दहेज का केस या रेप का केस या 498 डोमेस्टिक वायलेंस या मेडेनेंस जैसे केस कर दिए जाते हैं। मुझे याद आता है उन मेंस को जो कि मतलब किस तरीके से वुमेन अपना कार्ड खेल जाती है। हम लड़कियां हैं, हमारी बात पे कोई भी आसानी से विश्वास कर लेगा। यहाँ भी वही चीज़ें चल रही थी, लेकिन मामला आपने देखा किस तरीके से पासा उल्टा पड़ रहा है। तो अब अगर चलिए टू द पॉइंट आते हैं कि अगर कोई भी मैन हमारे देश में किसी भी तरीके से झूठे केसेस, वो चाहे कोई भी हो, अगर आप भी प्रताड़ित हैं, कोई आपको धमकियां दे रहे हैं, किसने लीगल नोटिस भेजा है, किसने FIR की है, तो कैसे आप उसको समझ सकते हैं, सुलझा सकते हैं, और अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचा सकते हैं? जानकारी नहीं होने की वजह से आपको वकील अलग बेवकूफ़ बनाएगा, पुलिस अलग डराएगी, सामने वाली पार्टी वो अलग बेवकूफ़ बनाएगी। तो आपको समझ होनी चाहिए जिससे कि आप एक सही फ़ैसला ले सकें और अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचा सकें। आप अपनी राय नीचे लिखेंगे, क्योंकि आप जितना खुल के बोलेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। करने से ही बात बनती है, समस्या का समाधान जो बताया गया है अंत में हर केस में वही होता है, जहाँ पे कि कॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन, सेटलमेंट, सुलह, कंप्रोमाइज़ किया जाता है कि भैया ठीक है, अब ना हम लड़ेंगे ना तुम, मामला ख़त्म। जिस तरीके से झूठे 498 DV 125 रेप केसेस में भी एट द लास्ट सेटलमेंट होता है, बिकॉज झूठे केस करने के पीछे एक इंटेंशन और मोटिव होता है, डरा धमका के आपसे पैसे निकालना। तो कैसे आप खुद को डिफेंड करें, काउंटर करें, अपना समय पैसा बचाएं, अगर आपका भी कोई केस है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।